Hello everyone, today I am going to start a new topic, that is lifespan. इस चैप्टर की ऑलरेडी मैं तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आई होप आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियोस। तो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम क्या है लाइफस्पैन। तो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ मींस इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ विच इज कॉल्ड लाइफस्पैन। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रोकोडाइल है, उसकी लाइफस्पैन कितनी है? इट इज अराउंड 60 ईयर। और जो टॉर्टोइज है उसकी लाइफ स्पैन कितनी है? 100 to 150 ईयर्स। समझ आया? देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आज किसी का जन्म होता है और आफ्टर 50 ईयर्स उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, तो उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी? उसकी लाइफ स्पैन होगी 50 ईयर्स। ठीक है, तो लाइफ स्पैन क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है, देखो there are some facts which are related to lifespan which are asked in competitive exams like NEET। ठीक है, तो कुछ फैक्ट है lifespan से related, वो आज हम पढ़ते हैं। पहला फैक्ट क्या है? lifespan cannot be correlated to body size। यानी जो lifespan है वो किसी organism के body size पे depend नहीं करती। इसका मतलब हम ये कतई नहीं बोल सकते कि किसी का body size बहुत ज्यादा है, जैसे कि हाथी, तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हो, या फिर किसी का बॉडी साइज बहुत कम है जैसे कि चूहा, तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। सिंपली वी कैन से दैट लाइफ स्पैन कैन नॉट डिपेंड ऑन बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे देखो क्रो एंड पैरट, दोनों का जो बॉडी साइज है वो लगभग सिमिलर है, बट दे ग्रेटली डिफर इन देयर लाइफ स्पैन। जो क्रो है उसकी लाइफ स्पैन कितनी है? इट इज ओनली 15 ईयर्स। वेयर एज जो पैरट है उसकी लाइफ स्पैन कितनी है? इट इज अराउंड 140 ईयर, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी कि आज अगर तुम लोग अपने घर पे तोता लेके आते हो तो तुम लोग मर जाओगे, उसके बाद भी वो पैरट जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, क्रो की जो लाइफ स्पैन है इट इज अराउंड 15 ईयर्स, वेयर एज जो पैरट है उसकी लाइफ स्पैन कितनी है? इट इज अराउंड 140 ईयर्स, जो कि बहुत ज्यादा है। देखो दोनों का जो बॉडी साइज है वो लगभग सिमिलर होता है, लेकिन की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत अलग होती है। ठीक है, तो पहला फैक्ट समझ आया। अब देखो सेकंड फैक्ट क्या है? नो इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज इमोर्टल। यानी इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी अमर नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु पक्की है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे, उनकी नेचुरल डेथ होती है। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। तो इसी से रिलेटेड एक इंटेक्स में क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ होते हैं उनमें कुछ इंटेक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी से दैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसा हम क्यों कहते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती, यानी वो इमोर्टल कैसे हैं, वो अमर कैसे हैं? इसका सिंपल आंसर ये है कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनमें सेल डिवीजन होती है एंड दे जस्ट डिवाइड टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे देखो अमीबा, अमीबा ने डिवाइड करा और दो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करे, यानी जो अमीबा है इसमें नेचुरल डेथ नहीं हुई। तो इसका आंसर देखो मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, सो देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, बैक्टीरिया और दूसरे भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये जो दो फैक्ट लिखे मैंने लाइफ स्पैन से रिलेटेड, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट में पूछे जाते हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में, और सीबीएसई में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो समझ आया?